हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ WWF फाइटिंग। WWF नहीं, अब WWE होता है वो। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसमें आपको देखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1961 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्जरलैंड में। इसका जो सिंबल है जियांट पांडा इसका सिंबल है। इसका काम होता है, इसमें 1001 पर्सन इसके मेंबर हैं पूरे वर्ल्ड के, और ये कोई नेशनल संस्था नहीं है, ये ऑर्गेनाइज संस्था है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड आप कह सकते हैं ये। और ये फंडिंग करता है, क्या करता, फंडिंग करता है। सबके साथ इसका मेल मिलाप रहता है, चाहे यूनेस्को, चाहे यूनेफो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, चाहे यूनेस्को हो, यूनाइटेड नेशन और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद आ रहा है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यून, और इसके अलावा जो है IUCN इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सबके साथ इसका संबंध होता है, सबको फंडिंग करता है ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया सके, मैनेज किया सके, समझ रहे ना। तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सब फाइल लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा एप्लीकेशन को बढ़िया तरीके से रट के एग्ज़ाम दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम तो होना ही है, थर्ड ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम होगा ही, पता है आपको। तो लिख ली WWF, हैंड डाली WWF। WWF इज ग्रेटेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। WWF इज द ग्रेटेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐच्छिक, इच्छा सब बनाए हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1961। लिखा हुआ ऊपर सब फुल स्टॉप। इट रेजेज फंड फॉर इमीडिएट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फुल स्टॉप। इट आल्सो प्रमोट्स पब्लिक अवेयरनेस जागरूकता उत्पन्न करता पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फुल स्टॉप। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड वो लिखा हुआ स्विट्जरलैंड
फुल स्टॉप। जियांड पांडा इज, जियांड पांडा इज, जियांड पांडा इज सिंबल ऑफ WWF। हो गया फुल स्टॉप। एग्जीक्यूटिव कमेटी EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव, पैरा चेंज करके लिख रहे हैं एग्जीक्यूटिव EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव कमेटी COMMITTEE कमेटी COMMITTEE एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ जिसकी कमेटी बनी होती है किसी कंसिस्टिंग ऑफ वन प्रेसिडेंट एंड 10 मेंबर्स ऑफ बोर्ड। फुल स्टॉप। WWF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, WWF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कमा डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस एक्टिविटी फुल स्टॉप। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी द बोर्ड डिसाइडेड WWF। हो गया बोर्ड डिसाइड WWF पॉलिसी हैंडलिंग फंड क्रिएशन। हाँ लिखिए द फंड फॉर WWF इज कलेक्टेड थ्रू द फंड फॉर WWF इज कलेक्टेड थ्रू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसी सेंटेंस में आगे है ये सेंटेंस चेंज नहीं कर इन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। अब सेंटेंस पूरा हुआ फुल स्टॉप। चेंजिंग कोई नहीं थी, खाली सेंटेंस में बदल देना चाह रहा था। हो गया फुल स्टॉप। It raises money through following sources। पहला पॉइंट $10 million जोड़ लीजिए सब। अबाउट
$10 million $10 million कंट्रीब्यूटेड बाई one lakh one person of the world दूसरा पॉइंट डोनेशन गिवन बाय जनरल पब्लिक नेक्स्ट पॉइंट ओवर वन मिलियन रेगुलर मेंबर कंट्रीब्यूट मनी फॉर WWF 10 लाख रेगुलर मेंबर भी हैं जो इन पैसा देते हैं इसको कंट्रीब्यूट मनी फॉर WWF नेक्स्ट पॉइंट ए लार्ज नंबर ऑफ चैरिटेबल फाउंडेशन give regular support to WWF हो गया WWF पैरा चेंज करके लिखेंगे WWF promotes its activity in collaboration COLLABORATIO in collaboration with IUCN collaboration मतलब जुड़ करके सहयोग से with IUCN बता चुके हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज कोलाबोरेशन विथ IUCN फुल स्टॉप इट्स एक्टिविटी गेट्स कोऑपरेशन फ्रॉम सहयोग किसे किसे मिलता है इट्स एक्टिविटी गेट्स कोऑपरेशन फ्रॉम UNO कमा यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कमा यूनेस्को UNESCO मैं लिखवाया हूँ फुल फॉर्म यूनेस्को United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, comma UNEP, United Nation Environmental Program, UNEP, comma ETC कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोग्राम कमिटी गिव आइडिया अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये हो गया WWF। अगला हेडिंग, तीसरा हेडिंग, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL। हाँ लिखिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कमा एन एडहॉक कमिटी, एन एडहॉक ADHOC एडहॉक कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, चेयरमैनशिप ऑफ इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट वाज फॉर्म्ड इन 1950, which drafted the constitution of a central board, for wildlife, thus a central board for wildlife was constituted, constituted in 1952. Full stop. Further, it was renamed in the Indian Board. Renamed as Indian Board for Wildlife. पैरा चेंज करके लिखेंगे, द बोर्ड हैज़ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, दो वाइस चेयरमैन होंगे, द बोर्ड हैज़ ए चेयरमैन कमा टू वाइस चेयरमैन कमा ए मेंबर सेक्रेटरी कमा फोर रीजनल रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड डायरेक्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट
ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज मेंबर हो गया। पैरा चेंज करके लिख लेंगे, तीर का निशान बना के, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ बोर्ड, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीन प्रधानमंत्री होता है। हो गया। हैंडलिंग फंक्शन ऑफ IBWL, फंक्शन ऑफ IBWL हाँ लिखिए, बोर्ड टेक्स डिसीजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पहला पॉइंट है, द बोर्ड टेक्स डिसीजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू लेजिस्लेटिव एंड प्रैक्टिकल मेजर अंडर विच इट कैन डिक्लेयर्ड सर्टेन स्पीसीज एज प्रोटेक्टेड एनिमल। नेक्स्ट, इट प्रमोट एंड स्पॉन्सर द वाइल्ड लाइफ रिजर्व थ्रू आउट द कंट्री लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरी, सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स ईटीसी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट्स पब्लिक इंटरेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इट क्रिएट्स पब्लिक इंटरेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट पॉइंट, it advised central government for making the policy about export of wildlife product नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन
इट इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द कंट्री इन द कंट्री नेक्स्ट पॉइंट It encourages the establishment of wildlife scientists in the country. And helps in their activities. Next point. IBWL, Indian Board for Wildlife, promotes conservational activities, लिखिएगा, of different region of India. हो गया. ये ख़त्म हो गया. अगला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक को पेज का पूरा नहीं है और क्वेश्चन पूछता 8 नंबर का. हाँ, लिखिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. हाँ, लिखिए दिस एक्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1972. दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1972 which provide special legal protection to our wild animals, birds, reptiles, amphibians, mammals, etc. and to the endangered species in particular area. First off, this act is applicable to the entire country except Jammu and Kashmir. First off, the act consists of 7 chapters का विज नाम के अनुसार. विज मतलब नेमली होता है. विज डिफिनीसन, hunting of wild animals. Sequence wise है, पहला definition है, दूसरा hunting of wild animals, authority to be appointed,
AUTHORITY authority to be appointed come formation of wildlife sanctuaries national park कमन नेचर रिजर्व एंड नेचर रिजर्व इन क्लोज एरियाज कमर रेगुलेशन ऑफ ट्रेड in the wild animals animal products and trophies prevention and detection of offenses and miscellaneous act sorry one minute miscellaneous regulation followed by schedule 1 to 5 SCHEDULE schedule 1 to 5 एक से लेके पांच तक फर्स्ट ऑफ दिस शेड्यूल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ एनिमल्स हाँ पहला पॉइंट लिखिए शेड्यूल वन इज SCHEDULE शेड्यूल वन डील्स विथ पांच शेड्यूल है पांचों का मैं फंक्शन लिखा दे रहा हूँ शेड्यूल वन डील्स विथ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज protected throughout the country next point schedule 2 deals with special game species deserving more protection next point schedule 3 deals with the big game next point schedule 4 deals with the small game next point schedule 5
शेड्यूल 5 डील्स विथ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, डील्स विथ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन टू द क्रॉप, हो गया। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कहीं भी शायद, उसको मैं लिखवा देंगा, हैंड डाल लीजिए। फिश बाय प्रोडक्ट, ये अलग टॉपिक है, इंस्टीट्यूशन में नहीं है वो, फिश वाले में थोड़ा टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ है। फिश का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हैंड डालेंगे। बाय प्रोडक्ट अलग टॉपिक है ये, बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन का क्या फ़ायदा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पिस्सीकल्चर, PISCICULTURE, हो गया। इसमें देखना है फिश से के बाई प्रोडक्ट क्या है, फिश से क्या क्या आपको फ़ायदा होता है, तो फिश से होने वाले फ़ायदों के विषय में आपको जानना ज़रूरी है। तो जानिए क्या क्या होता है, फिश से मांस मिलता है, फिश प्लस फिश फर्टिलाइज़र, फिश से फर्टिलाइज़र बनता है, फिश प्रोटीन, फिश से प्रोटीन बनता है, जो प्रोटीनिक्स वगैरह पीते हैं कितने लोग करते हैं, हम शाकाहारी, एक सोया प्रोटीन आता है, एक फिश प्रोटीन आता है, तो वो प्रोटीन अगर अच्छा आपको चाहिए तो वो फिश प्रोटीन ही होगा, फिश का प्रोटीन होता है। फिश विटामिन्स, फिश से जो निकलने वाला होता है उसमें विटामिन ढेर सारा, ADEK होता है, ADEK विटामिन B12 मछलियों पर आ जाता है। फिश मिनरल्स, मछली में पाया जाना मिनरल्स भी होता है। फिश पिकल्स, मछली का अचार बनता है, आपको नहीं पता होगा जान लीजिए, फिश पिकल्स। फिश पिकल्स अचार बनता है फिश का। फिश ग्लू, फिश से चिपकाने वाला जो है, फिश से चिपकाने वाला प्रोडक्ट बनता है, फिश ग्लू उसको बोलते हैं। फिश फ्लोर भी होता है, मछली को सूखा कर उसका फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर का जो है टिक्की की छोटे छोटे बना के लोग खाते हैं, वेस्ट बंगाल होगा, आंध्र, तमिलनाडु, केरला वगैरह में फिश फ्लोर भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये ढेर सारे जो है फिश के बाय प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको हम कल आपको फिश के विषय में बताएंगे, फिश का क्या क्या फ़ायदा है, पहले फिर बताएंगे नहीं लिखाएंगे, पूछो क्यों। फिश का आटा होता है, फिश का फर्टिलाइज़र बनता है, फिश का पिकल बनता है, फिश से ग्लू बनता है, फिश से जो है डिफरेंट टाइप विटामिन्स बनती हैं, सी को छोड़ दीजिएगा, और फिश जो है फिश का फ्लेश तो आप जग जाए, फिश फ्लोर होता है, बोलिए ना। तो ये फिश, तो ये डिफरेंट फिश पिकल्स होता है, मछली का अचार बनता है। तो ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, किसके बेनिफिट्स हैं, फिश के। यही बेनिफिट्स मैं आपको कल इसको लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं आज बता दिया हूँ। तो इसमें आप विटामिन के विषय में देखेंगे तो ADEK विटामिन मिलता है, समझ रहे हैं ना, ADEK विटामिन क्या मिलता है, ADEK। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें ADEK क्या होता है, विटामिन ADEK, ये दो प्रकार की विटामिन्स होती हैं, समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये सारी बातें इसमें कल आपको हम पढ़ाएंगे, कल इसको लिखवा देंगे, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरा।
ये तो क्वेश्चन तब पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। आपको वही थोड़ा टूर एंड टेक्निक एक दिन बता देंगे, दो तीन चार दिन पढ़ा देंगे, ताकि आप ये न कहें कि हमको सर नहीं पढ़ाए, पैसा लिए तो पढ़ाएंगे ज़रूर, गारंटी इसकी। जिसका ऐप नहीं चल रहा वो हमको कंप्लेन कर दे, जिसका ऐप न चल रहा हो और फीस जमा हो उसकी तो वो कंप्लेन कर देगा, ठीक है। जिसकी फीस जमा है और वो उसका ऐप न चल रहा हो तो हमको कंप्लेन कर दो, रजिस्टर से देख के उसका चेंज करवा देंगे, ठीक है। ये ख्याल कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जिसका ऐप न चल रहा हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर सेंड कर देगा, सर मेरा नहीं चल रहा है, 8 बजे मैं खाली रहूँगा, तो आप उनसे बात करके चलवा सकते हैं, ठीक है। ताकि अभी तो अगस्त से एग्ज़ाम चालू होने की संभावना है, तब तक सब आप पढ़ उड़ के खुश हो जाएंगे। ये भी पेपर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही टूल एंड टेक्निक बचा हुआ, पर उसने सुनेंगे सर पढ़ाई दिए, बायो स्टेट भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया आपने, हम अपने वादे के मुताबिक आपका सब काम कर दिए। अब आपको ये करना है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये है क्वालिटी है कि नहीं, थोड़ा सा इसको देखिएगा और ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई पर थर्ड ईयर है, जितना अच्छा नंबर आप पाएंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इतना ख्याल कर लीजिए, कल हमारी मुलाकात फिर होगी, चलें बाय।